मुख्यमंत्री उड़न दस्तावेज सीआईडी विभाग नारनौल की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 8वीं पास फर्जी डॉक्टर पिछले 20 सालों से लोगों के स्वास्थ्य के साथ कर रहा था खिलवाड़। फर्जी अस्पताल में एमबीबीएस की डिग्री भी मिली। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। प्रिय दर्शकों को नमस्कार, आपको स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में। मैं संजय कौशिक। गुप्त सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी व गुप्तचर विभाग नारनौल ने संयुक्त छापेमारी कर निजामपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ा है, जिसने अपना एक फर्जी अस्पताल भी बना रखा है। बताया जा रहा है कि यह फर्जी डॉक्टर मात्र 8वीं पास ही है और तकरीबन 20 वर्ष से लोगों का इलाज कर रहा है। गुप्तचर विभाग के डीएसपी राजेश चेची ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी। मिली सूचना के आधार पर छापामारी कर एक फर्जी डॉक्टर को मौके से ही पकड़ा गया है, जो कि मात्र 8वीं पास ही है, और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी वहाँ पर मिली है। तुरंत सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की टीम ने आकर दवाइयों को कब्जे में ले लिया है। जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किसके संरक्षण में यह 8वीं पास फर्जी डॉक्टर मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर इतने सालों से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। साथ ही इस फर्जी अस्पताल के अंदर जो एमबीबीएस की डिग्री मिली है वह फर्जी है या फिर सही, यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। और ऐसे फर्जी डॉक्टर कब तक लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तमाम अन्य प्रकार की खबरों एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि निजामपुर एक जो कस्बा है वहाँ पे एक अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो बिना किसी डिग्री के बहुत लंबे समय से अपना क्लिनिक चला रहे हैं। इस आधार पे स्थानीय पुलिस और सिविल हॉस्पिटल से जो टीम बनी डॉक्टर्स की, उनके साथ जो कंबाइंड रेड की गई, और उस रेड में ये अमर सिंह नाम के आदमी हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनका पता चला कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 8वीं पास है और पिछले 20 साल से ये निजामपुर में अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। वहाँ एडमिट करने की भी सुविधा है, 8-10 लोग बेड हैं वहाँ पे। तो अभी क्योंकि वो डॉक्टर्स की जो टीम साथ में आई है उनके द्वारा जो नियमानुसार कार्रवाई है वो डॉक्टर साहब के खिलाफ अभी करवाई जा रही है जी। भविष्य में भी ऐसी कोई सूचना मिली तो नियमित जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी।